प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्ययन करना चाहते हैं, जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और पद 5 से जो है पद 8 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आपके पास बाइबल है तो निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद 5 से उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं, और उसका पकड़वाने वाला योदा भी उनके साथ खड़ा था। उसकी ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं, यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जान दो। सो जो महत्वपूर्ण शब्द था वो ये था कि उसके ये कहते ही, आयत नंबर 6 में लिखा, उसके ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। कैसा प्रभाव आया ये बोलने पर कि मैं ये हूं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोले, हवा में वो वातावरण गूंज गया जो कई साल पहले उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय में जब मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया था और मूसा से कहा था कि चल मूसा, मैं तुझे लिए चलता हूं, मेरे लोगों की चिल्लाहट मैंने सुनी और अब तुम्हारे बीच में उतर के आ जाऊं कि तुम लोगों को फिरौन के हाथ से छुड़ाऊं। मूसा ने कहा कि वे लोग पूछेंगे कि किसने तुझसे बात करी, कौन परमेश्वर, मैं क्या जानू और तेरा नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, और उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सो मूसा ने वो शब्द जब सुने तो मूसा के बाद में अगले बात यह आई कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने चप्पल उतार। और वही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल बाद कहा, मैं जो हूं सो हूं। और जैसे वो शब्द आया, किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं थी वो उसके सामने खड़ा रह सके, नहीं तो क्या रोमी सोल्जर, रोमी सैनिक गिरने वाले थे, पब्लिक गिरने वाली थी, क्या वे जानबूझ करके गिर गए? नहीं, उस वचन में इतनी सामर्थ्य, उस वचन में इतनी सामर्थ्य कि मैं जो हूं सो हूं। और जैसे ही वो शब्द वातावरण में आया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। और लोग यहां पहचानने में गलती कर रहे थे कि वही परमेश्वर जो क्रिएशन के दिन था, जो उत्पत्ति के दिन था, वो उसके पहले से है, उत्पत्ति उसके सामने हुई, उसने गैलेक्सी बनाई, उसने जो है सारे ग्रह मंडल को बनाया, उसने मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य के रूप में जब आ गया तो वही पावर था। और जैसे वो पावर आया सब जो सब गिर पड़े, वो शब्द आज भी है, वही परमेश्वर आज भी है। और थोड़ी देर तक हम आज इस पर मनन करेंगे। सो आए मेरे साथ, हम चले मनन। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 18:6 में, मैं जो हूं सो हूं। और जैसे प्रभु ने कहा, वे सब के सब पीछे गिर पड़े, इतनी सामर्थ्य इस वचन में। और प्रभु
ने यस एक जगह नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने आगे भी ये शब्द कहा जिसे हम एक एक करके देखते जाएं। किसी पृथ्वी पर किसी और परमेश्वर ने नहीं कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं द्वार हूं, मैं दाखलता हूं, मैं भेड़ों का महान रखवाला हूं, मैं जो है जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं अनंत जीवन, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा सिवाय प्रभु के, क्योंकि प्रभु के पास वो अथॉरिटी थी। वो अथॉरिटी चली गई तो नहीं, वो अथॉरिटी तो आज भी है। और जैसा हमने देखा कि निर्गमन के पुस्तक में उसका तीसरा अध्याय 14वीं आयत में कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और ये शब्द में इतना पावर था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो है परमेश्वर ने सो मैं जो हूं सो हूं, और परमेश्वर ने जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 56 से 59 आयत में ये कहा कि इसके पहले के अब्राहम होता, मैं अब्राहम के पहले से हूं। और मैं तो बोलूं अब्राहम के पहले से नहीं, पृथ्वी बनाने के पहले से, स्वर्ग बनने के पहले से, स्वर्गदूत बनाने के पहले से प्रभु यीशु मसीह जो है वो विद्यमान थे। पिता के साथ पवित्र आत्मा विद्यमान थे पिता के साथ, और जो है यही फिर यूहन्ना में कहा गया जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके लिए उत्पन्न हुआ। सो दूसरी महत्वपूर्ण चीज हमें जो देखनी है वो ये कि पृथ्वी और जो कुछ है वो स्वयं परमेश्वर का है। और प्रभु ने, जैसे मैंने बताया कि प्रभु ने कहा इसी यूहन्ना में, जीवन की रोटी में हूं, जगत का उजाला में हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं अच्छा जो है भेड़ों का रखवाला हूं, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं सच्चे दाखलता हूं। ये प्रभु ने मैं शब्द कहा। और जो है सिर्फ यूहन्ना में 7 बार प्रभु ने ये स्टेटमेंट कहा मैं, जिसमें इस्तेमाल हुआ। और प्रभु को मालूम था कि वो कौन है, वो कौन है, इसीलिए उन्होंने यूहन्ना में कहा पिता को किसी ने नहीं देखा सिवाय इकलौते पुत्र के, और वह जिस पर उसने उसको प्रकट करना चाहा, मतलब वो व्यक्ति जिस पर पिता ने और पुत्र ने अपने आप को प्रकट करना चाहा, उसके अलावा पिता का रहस्य, पुत्र का रहस्य, पवित्र आत्मा का रहस्य आम आदमी से दूर। और ये जैसे शब्द आया कि मैं पृथ्वी का क्रिएटर हूं, जैसे प्रभु ने कहा आई एम द क्रिएटर, आई एम द जज, मैं न्याय हूं, मैं जो है वाचा का मानने वाला, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं। और प्रभु ने यह नहीं कहा मेरे साथ और भी है, इसलिए कहा गया है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का है, वो राजा है, एक राजा है, राजाओं एक प्लूरल शब्द है और राजा सिंगुलर शब्द है, कई राजाओं का वो राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। अब्राहम के पहले, पृथ्वी बनने के पहले प्रभु है। और ये कह करके उसने जो है अपने आप को प्रकट किया। और कई
यहूदी लोग इस नाम को लेना नहीं चाहते थे डर के मारे, और इसीलिए जो है उन्होंने इस शब्द को जो है लॉर्ड शब्द में चेंज करा। और प्रभु जो है ये बात कहते हैं, और इसीलिए गत्सम्ने बाग में जो घटना हुई वो जबरदस्त घटना थी। मैं जो हूं सो हूं, और उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाया। और एक और चीज, यदि प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय देखें आप, वहां लिखा है कि पिता के हाथ में एक पुस्तक थी जो 7 मोहरें लगा करके बंद की हुई थी, और एक खुला चैलेंज आया, कौन इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। यूहन्ना बोलते हैं कि न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न ग्रहों पे, न पृथ्वी के नीचे कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वर्गदूत ऐसा न मिला जो उस पुस्तक को पिता के हाथ से ले ले। और वो तो छोड़ो, पुस्तक लेना तो छोड़ो, वहां यह लिखा है उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं मिला। सो पिता और हम में ये बड़ा फर्क है, पिता और हम में ये बड़ा फर्क है। और पिता की एकता में, त्रिएकता में जो है, इसीलिए जो परमेश्वर आदम पे प्रकट हुए, जो परमेश्वर नूह से और पुराने नियम में अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दानियल, दाऊद, सुलेमान, समुएल, प्रभु के लोगों पर प्रकट हुए, वो कौन थे? वो पुत्र के रूप में जो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर जो पुत्र के रूप में, जिसने मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर जब आया तो वो यीशु मसीह कहलाया। सो जो है ये हमें शिक्षा देता है, और प्रभु की इस बात को हम दिल से सराहते, झुकते हैं उसके सामने। हमें अपनी योग्यता मालूम है, हम मनुष्य पृथ्वी के लोग, प्लैनेट पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर भी एक छोटे से हिस्से में, और हमारा परमेश्वर इस गैलेक्सी के ऊपर स्वर्गों में भी नहीं समाने वाला। वहां से उसने अपने आप को नम्र किया और दीन बनकर पृथ्वी पर आया। सो हमें कितना आदर चाहिए, कितना आदर करना चाहिए हमारे प्रभु का। सो आए प्रभु के पास चले, दुआ में अपने सरों को धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत एग्जिस्टेंस के लिए। हमारी समझ के बाहर है, हमारे सोच के बाहर है, हमारे विचारों के बाहर है। और जैसे वो सामर्थ्य वचन जब आप पृथ्वी पर थे आपने उच्चारा, सारी दुनिया एक बार फिर से आपके सामने गिर पड़ी, झुक गई। और हमें मालूम है कि स्वर्ग में भी आपके सामने कोई खड़ा नहीं पाया जब वो खुला चले जाया। और प्रभु हम हैं क्या? हम मनुष्य भी इस पृथ्वी के मामूली से लोग हैं, जिनका जीवन बुलबुलों के मानिंद है, जो सुबह खेलते हैं शाम को ढल जाते हैं। और प्रभु इस न वैसी पवित्रता है, न वैसी सिद्धता है, मनुष्यों का सब सोच है, मनुष्यों के से विचार है, मनुष्यों का सा उठना बैठना है। ना हमें आपकी पवित्रता का ज्ञान, ना हमें आपकी सिद्धता का ज्ञान प्रभु, ना हमें आपके स्तर का ज्ञान, लेकिन जैसे है जिस अवस्था में अपने आप को आपके समीप लेकर के आते, समर्पित करते हैं हमारे समर्पण प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। और खुदावंत एक बार फिर से आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि आपने हमारे कामों के कारण नहीं, वरन अपने प्रेम, अपने अनुग्रह के कारण हमने चुना। सो प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर आपको फिर से देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लें। आमीन और फिर आमीन।
Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.